हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए वार्षिक सत्यापन शुरू हो चुके हैं, जो कि आपके 1 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को भी 1 जनवरी 2024 के बाद पेंशन लेनी है, उनको वार्षिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है, नहीं तो उनकी पेंशन 2024 में उनको नहीं मिलेगी। लेकिन इस बार पहले जैसे वार्षिक सत्यापन नहीं हो रहे हैं, काफी बदलाव किए गए और 90% लोगों के सामने काफी समस्याएं आ रही हैं। तो वो कौन कौन सी समस्याएं जो आ रही हैं आपके सामने, उन पर भी अपन बात करने वाले, क्या उन समस्याओं का सोल्यूशन है उस पर बात करेंगे। साथ साथ अपन बात करेंगे कि आप वार्षिक सत्यापन कैसे करवा सकते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे और क्या प्रोसेस रहने वाला है। पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में देने वाला हूं, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात कर ले कि वार्षिक सत्यापन आपके शुरू हो चुके हैं, जो कि आपके 1 नवंबर से शुरू हो गए हैं और ये आपके 31 दिसंबर तक चलने वाले हैं। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जिन लोगों को भी 1 जनवरी 2024 के बाद पेंशन लेनी है, उनको वार्षिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। लेकिन इस बार वार्षिक सत्यापन में बदलाव किए गए। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि वार्षिक सत्यापन आप करवा कैसे सकते हैं। आप अपने नजदीकी मित्र केंद्र पर जाकर वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं। ओटीपी के जरिए भी आपका वार्षिक सत्यापन होता है और बायोमेट्रिक के जरिए भी आप वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर लूँ तो आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड और आपका पीपीओ नंबर होना चाहिए। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि 90% लोगों के सामने एक समस्या आ रही है, जब भी वो अपना ईयरली वेरिफिकेशन यानी वार्षिक सत्यापन करवाने जा रहे हैं तो उनके सामने एक एरर आता है कि जो आपका राज्य एसएसपी है, पेंशनर का जो विवरण है, वो जन आधार कार्ड पोर्टल पर जो प्राप्त विवरण है उससे जो मैच नहीं हो रहा, यानी आपका डाटा मैच नहीं हो रहा है, उसमें वो नाम की भी एरर दिखा रहा है, जन्म दिनांक की भी एरर दिखा रहा है और लिंक की भी एरर दिखा रहा है, यानी आपका जेंडर की भी जो है वहां पर एरर दिखा रहा है। ऐसा एक जो एरर सामने आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि ये एरर क्यों आ रहा है। देखिए, एक तो कि आपकी जो है जन आधार कार्ड ईकेवाईसी नहीं हुई है, उसकी वजह से भी ये एरर आ रहा है। तो अगर आप अपना वार्षिक सत्यापन करवाने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको आपके जन आधार कार्ड में ईकेवाईसी करवाना अनिवार्य है। ईकेवाईसी जब आप करवाते हैं तो उसमें 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। तो आप पहले अपने, अगर आपने जन आधार कार्ड में ईकेवाईसी नहीं करवाई तो अपनी जन आधार कार्ड में ईकेवाईसी जरूर करवाएं, क्योंकि आपका जो आधार कार्ड से इस बार डाटा है वो सारा डाटा जो है आपके जन आधार कार्ड में होना चाहिए। लेकिन आपका आधार कार्ड बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उसमें आपका नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम और एड्रेस सेम होना चाहिए, जब भी आप जन आधार कार्ड ईकेवाईसी जरूर करवाएं। अब बात कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम ज्यादा उन लोगों के सामने आ रही है जिन लोगों की जो पेंशन है वो कैंपों में बनी है। जब पुराने समय में जब आधार कार्ड और जन आधार कार्ड से तो लिंक था ही नहीं है, तो वैसे ही पेंशन बन गई थी, तो कुछ नाम डाल दिया गया था, उन लोगों के सामने ज्यादा समस्या आ रही। लोगों के कैंपों में पेंशन बनी थी उन लोगों के सामने ये बड़ी समस्या आ रही है कि किसी का नाम मैच नहीं हो रहा, ज्यादातर जन्मतिथि मैच नहीं हो रही, आपके आधार कार्ड में कुछ है, पीपीओ में कुछ है और आपके जन आधार कार्ड में कुछ है, तो इसलिए ये एरर दिखा रहा है। अब इस समस्या का समाधान की बात कर लेते हैं तो आपको आपके जो है वीडियो ऑफिस में जाना है, वीडियो ऑफिस, एसडीओ ऑफिस में जाकर आप वहां पर ये जन्मतिथि वाला जो है आप वहां पर करेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन आपको जो है पहले अपने जन आधार कार्ड में ईकेवाईसी जरूर अपडेट करवानी होगी और जिन लोगों के डाटा मैच नहीं हो रहे वो अपने नजदीकी वीडियो पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर वीडियो ऑफिस में जाकर संपर्क करें, उनसे बात करें, वहां पर ही आपकी इस समस्या का जो है समाधान होने। वार्षिक सत्यापन शुरू हो गए, ये आपको करवाना जरूरी है। जब भी आपको 2 जनवरी के बाद आपकी पेंशन आएगी तो आप 31 दिसंबर तक करवा सकते हैं, लास्ट डेट 31 दिसंबर रखी गई है इसकी। आपके पास आपका पीपीओ, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड होना चाहिए, आप नजदीकी मित्र केंद्र पर जाकर अपना जो है वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं। पूरी अपडेट मैंने आपको वीडियो में दे दी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए ताकि सरकार से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती है और वीडियो को जब सभी के पास शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट।